नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के मझोलिया गांव से विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं छठ पूजा पर। भारत उदय समाचार की ओर से आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये महिलाएं इस बार अपने घर के प्रांगण में ही गड्ढा खोद कर और ये पूजा मना रही है। उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ देंगी ये महिलाएं। परिवार के साथ यहाँ पर बैठकर गीत गाती हैं। जो प्रथा, जो रिवाज है, इस पूजा का जो आस्था है, वो सभी मिलकर करते हैं। पूरे परिवार के लोग बच्चों के साथ भी यहाँ पर बैठते हैं। ये एक अलग ही पूजा इस बार हुआ है क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन बहुत सारे लोगों ने माना भी है और घर पर ये पूजा किया है। बहुत सारे लोगों ने नहीं माना तो जो तालाब में, क्योंकि ये छठ पूजा है और बहुत आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, तो लोग नहीं माने। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस तरह से जिलाधिकारी का आदेश दिया गया था कि सभी तालाब पोखरों को ब्रिगेडिंग करना है या खंभा लगाना है या बांस बल्ला लगाना है, ये बहुत सारे जगहों पर नहीं देखा गया है। खासकर पटाखा फोड़ने के लिए बात अगर की गई कि पटाखा नहीं छोड़ना है, तो वो भी बच्चे हैं, मानते नहीं हैं और माने भी नहीं। बहुत सारे जगहों पर ये भी देखा गया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इन महिलाओं को इंटरव्यू, जो इन महिलाओं का इंटरव्यू हमने लिया है, वो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। छठ पूजा का विशेष कवरेज आप देख रहे हैं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के मझोलिया गांव से। महामारी के कारण? हाँ। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? घाट पर करते थे, मतलब तालाब में जाते थे, वहाँ करते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यहाँ घर पर करना पड़ रहा है। तो जो सरकार का निर्देश था कि घर पर ही करना है, तो उसका पालन करें आप लोग? उसी के पालन करते हैं। तो यहाँ घर पर करने में क्या असुविधा हुआ है? कुछ नहीं, ये तालाब के लिए खड्डा खोदा करके लोग कर रहा है, हमको भी सुविधा ही हुआ तो अपन करे सुरक्षा के लिए। बैठे कर महामारी के कारण घर पर करना शुरू कर लो, पहले तो तालाबे में करे छो। आप जैसे हम जापता करो तो सुरक्षित के लिए लेट में कर रहा हूँ। सरकारों के छलन हन जे घर पर कर जाए तैं लखो केलहुँ। कहे छियन जे सबके स्वस्थ रखियौ। आ हमसे एखन डुबैत सूर्य के अर्घ देबनि, भोरे फेर उगैत में देबनि। आ चाहै छी जे महामारी भागि जाए हमसब। क्या नाम हुआ? हमर नाम आशा देवी। गाँव कौन सा है ये? मझोलिया के दुआरे हम सब घर में बात व्यवस्था रखू पड़े छे। पूजा पाठ सबके कल्याण जी, अगला बेर से सब बढ़िया रहते तो फिर जना हो तेना करब। अब तक एतना व्यवस्था से सब कल्पना करे जिना न से आगे साल सब चीज बढ़िया रहे, कोरोना चलि जाए, पूरा संसार से सब ठीक रहे, सब बात व्यवस्था अबेर घर पर कलूँ कोरोना के चलते। और कुछ कहब? भगवान राणा माई के अर्घ देवन, सुबह में सूर्य के अर्घ देवन, शाम सुबह दुनू के अहिठाम से अपना दरवाजा के आंगन से। क्या नाम हुआ आपका? सुनाना चलते आपका रेनु रानी। कौन सा गांव है ये? कोरोना के भक बीमारी के लायक कर से हम सब पोखरि दरवाजा पर कोरा कर छठ व्रत दिनानाथ दिन करके अर्धाना कर रहल छियन जी। इसमें क्या क्या किए हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है? इसमें जो कुछ होता है विधि विधान से पूरा परिवार के साथ यहाँ पर मैं कर रहे हैं। डूबते सूरज को अर्घ दे रहे हैं इसलिए कि कोरोना बीमारी यहाँ देश से भाग जाए जी, सबको कल्याण हो जाए। और कल सुबह फिर? कल सुबह उगते सूरज को फिर अर्घ देंगे प्रणाम करेंगे, जो बीमारी यहाँ से सब चला जाए। पूरा परिवार को साथ कर रहे हैं व्रत, जो विश्व से बीमारी भाग जाए। जो सरकार का आदेश था वो पालन, सरकार का आदेश था वो पूरा कर दे कर रहे हैं हम। तो इसमें कोई दिक्कत कहीं पे कुछ ऐसा आया है आप लोगों को? ना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा अलग फीलिंग हो रहा है कि जैसे तालाब में करते थे घर पर कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं? कोई ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? बच्चा दाई। गांव कौन सा है? मझोलिया।